वो तो नहीं मुझे आती। अच्छा अब मैं पहले आपके कान साफ कर लूं, मेरे बेटे के ना कान गंजे हो गए थे, मेरे बेटे ने नहाई की है ना, ये देखो अगर कान ना ना साफ करे, ये देखो मैं मुझे एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं, इधर आ जाइए अंदर रोने शुरू हो जाते हैं आप, सारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये देखो ये देखो, ओए ओए आपको पता है उधर ना हमारी बाकी नानों के घर ना एक बच्चा रहता था, उसका नाम था अली, क्या नाम था उसका, अली। तो उसके कान के अंदर ना कीड़े थे, से वो कीड़े उसको खारिश करते थे बेचारा, उसने ना कान में ना जख्म किए थे, और जो हाजिक नहीं हाजिक उसने भी अपने कान में ना जख्म किए थे, इनाम मामी ने मुझे बताया था कि वो भी अपने वो भी उस इनाम मामी ने मुझे बताया था, अब ये कान आप इस तरफ करेंगे तो मम्मा करेगी ना, ऐसे करेंगे तो फिर करेगी ना मम्मा, होए इतना गंदा कान, नो नो बुरी बहुत होती है, आप छोड़े ना, आप एक मिनट छोड़े, जुए रोते नहीं है, बुरी बात होती है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कितना गंदा, भाई थोड़ा सा थोड़ा सा, आप तो कह रहे थे कि मम्मा मुझे गुदगुदी होती है, यार क्या ना जाते थे अंदर इतनी ज्यादा इचिंग करते थे, तो जिक्र होता था, और उसके कान के अंदर जो ये इतने ज्यादा वो हो गए थे कीड़े, और कीड़ों की वजह से ना खारिश करता था, कहता था मम्मा, क्योंकि वो छोटा था ना बहुत ज्यादा, और उसको खारिश बहुत ज्यादा होती थी, तो फिर इस वजह से ना मेरे बेटे के पीछे से तो कान बिल्कुल साफ है। अब आपने ईयर्स भी दिखाए मुझे, लेकिन थोड़ी सी मैं पिंचिंग कर देती हूँ, बनाना आप साइड पे रखिए, ताकि आपके खाने के दौरान ना बनाना जो है ना वो आपके इसमें ना गिरे खाने में, ये देखें ये जो कॉर्नर है ना ऐसे, नहीं कटे ये कॉर्नर होते हैं ना, ये तो फिर मम्मा से कटते हैं ना, जब आप छोटे छोटे होते थे ना तब मैं आपकी नेल्स काटती होती थी, तो आपकी नेल्स के अंदर ना इतनी ज्यादा मैल होती थी, इतनी ज्यादा आपा हो जाती थी, आपा एक दफा ना बाबा आपा के ना नेल्स काटने लगे, आपा छोटी सी थी, तो मैं तब गई थी ऑफिस में, तब जॉब करती थी, बाबा ने ना आपा के नेल्स काटे, नेल्स लंबे हो गए हैं तो चलो मैं जाने के ना नेल्स काट देती हूँ, और जब नेल्स काटे तो बाबा ने थोड़ा सा उसका जो ये स्किन है ना वो भी कट गई, जाना आपा रोने लग गई, हाँ और उसको ब्लड भी निकला था पता, हाँ मुझे आपके बाबा ने बताया कि मैं ना जाइना के ना नेल्स काट रहा था, तो यार गलती से मेरे से ना नेल्स काट गई, उसकी स्किन भी काट गई और उसका ब्लड निकला, तो मुझे इतनी ये आपने सही नहीं काटा, ये देखो इसके हाँ, फिर उसके बाद आपके बाबा ने कभी आपा के नेल्स नहीं काटे, इसी वजह से मैं आपके ना नेल कटर से नहीं ये सीजर से काटती हूँ, क्योंकि नेल क्लिपर से ये होता है कि बच्चा जो है ना वो हिलता है ना मूव करता है ना, उससे तो जो स्किन होती है ना वो ज्यादा भी कट सकती है, ये देखें जी मैं अपने बेटे के सारे अच्छे से नेल, आज मेरे बेटे ने खुद काटे थे, लेकिन मैंने उसकी ना अच्छे से थोड़ी सी ना जो होती है ना पिंचिंग वो आपने थोड़ी सी हेल्प कर दी, हाँ मेरे बेटे ने भी की मेरी हेल्प, इधर दिखा, और ये छोटा पिद्दू नेल भी नहीं काटा, ऐसे ऐसे अगर नेल्स ना काटे, नेल्स काटने चाहिए, अगर नेल ना काटे हम आप मुंह में अक्सर आपने डाल देते हैं, तो जब हम मुंह में डालते हैं ना तो वो ये होता है कि जितने भी जर्म्स होते हैं ना वो मुंह से ना अंदर चले जाते हैं, और जिसकी वजह से अक्सर आपने देखा है बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उनको वॉमिट आती है, बेली पेन होती है, उस दिन कौन बच्चा कह रहा था कि मेरी बेली में पेन हो रही है, उबैर अब्दुल्ला कह रहा था उसकी बेली में पेन हो रही थी।
और उसको वॉमिट भी आई थी। वॉमिट भी आई थी वो उनको उसको घर भेज रही थी, लेकिन वो कह रहा था नहीं नहीं वो उन्होंने कहा चलो मैं छोड़ ही जाती हूँ। अच्छा मैं राम राम से काटती जी जी। अल्लाह की बातें सुनाएं। अल्लाह की क्या बात सुनाऊं? अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बच्चे साफ सुथरे रहते हैं या जो लोग साफ सुथरे रहते हैं ना वो मुझे बड़े पसंद है, तो मेरा बेटा तो साफ सुथरा रहना चाहता है ना, है ना, है ना बेबी। अगर हम साफ सुथरे रहेंगे ना तो हम अल्लाह ताला के फेवरेट बन जाएंगे। ठीक है अब आप ना जरा पीछे हो जाए, अपने आपा जी के बिहेव्स का बेटी के पापा बड़े कुछ भी नहीं होता, आपको तो गुदगुदी होती है। मम्मा मुझे तो गुदगुदी होती है। हाँ, लेकिन दर्द भी होते हैं ना, पापा ने कान जो बनवाए हैं। हाँ तो मैं कानों पे थोड़ी ना लगाने लगी हूँ। सुई से मामा मुझे पता भी नहीं चला उन्होंने सुई से बना लिया। इशारा बनाने लगी ना वो, तो ही नहीं पता क्या हुआ। उसके भी सुई से बने थे वो। बचपन में ना वो जब टॉक्स बनवा रही थी ना, उसको वो बनवाने लगे, उसको ना उसको नींद आ गई, तो उन्होंने फटाफट उसके कान बना लिए। वो पापा ने बनाए थे उसके कान? हाँ। अच्छा मुझे तो नहीं पता। आपने गन से बनवाए? मैंने नहीं, मेरे भी सुई से। पहले ऐसे होता था कि आपके एरिया में ना लोग आते, आदमी आते होते थे, वो जो आदमी होते थे ना जब वो आते थे ना तो उसके बाद जो है ना वो आपके कान जो है ना वो सुई के साथ बनाते थे, तब घरों में नहीं थे बनाते होते। तो एक और कॉटन बर्ड सही है मुझे। मैंने आज नहीं किया, आपको पता है खुद काटे। हाँ तो क्योंकि मैं वेट कर रही थी। मामा मुझे ना मैं आपको स्नो व्हाइट वाली सुनाऊं? सुनाओ। व्हाइट प्रिंसेस है। प्रिंसेस है? प्रिंसेस नहीं, प्रिंसेस। अच्छा वो एक दिन ना एक छोटी बच्ची ना एक ना बुक पढ़ रही थी। अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है। बुक पढ़ रही थी तो ना हवा आई। अच्छा और ना वो उसके पर्दे करने लगी। ठीक है तो ना वो स्नो व्हाइट वाली ना कहानी पढ़ रही थी। अच्छा तो ना वो खिड़की बंद करने गई, उसको ना अपना कमरा ना गंदा नजर आया, तो उसने कहा चलो मैं साफ कर देती हूँ पूरा। उसने पूरा साफ किया, वो ना पढ़ने लगी तो ना बुक के अंदर से ना दो वॉल्स निकले। अच्छा दो मतलब बोने निकले। मम्मा वहाँ फिर पता क्या हुआ? फिर ना वो दोनों आए और फिर ना वो ना पहले बहुत डर गई, फिर ना उन्होंने उसको ना कहते कुछ छोटे बच्चे कुछ नहीं होता आप ना हमारे साथ आओ। अच्छा। तो ना उन्होंने मैजिक किया तो ना भूख अचानक से ना भरी हो गई, तो ना उन लोगों को ना उधर खींच लिया। अच्छा तो ना फिर ना वो आसमान के ऊपर आ गए, तो ना वो फिर ना उनके पास ना हर उसका ना हाइट था, तो ना फिर पता क्या हुआ? अच्छा उन्होंने ना उसको छोटी सी बेबी बना दिया। अच्छा पहले वो 3 साल की थी ना, तो उसको छोटी सी बच्ची बना दिया। अच्छा तो ना अब एक किंगडम में ना एक राजा और रानी रहती थी, उन दोनों की ना बहुत वाइश थी कि ना हमारी एक बच्ची हो जो ना फूल की तरह ना सुंदर हो। अच्छा फूल की तरह? अच्छा। ऐसे बेटियां ही फूल होती हैं। अच्छा वैसे ना बेटियां फूल की तरह सुंदर होती हैं। हाँ और बेटे? बेटे शैतान होते हैं। ये देखो क्या कह रही है, बेटे फुलिया होते हैं। फुलिया? अच्छा ठीक है। फिर ना वो रात को सोड़ी होते हैं, वो ना 7 बार जाते हैं और उसके ना पेट के अंदर ना वही बेबी डाल देते हैं। अच्छा। तो ना उसको ना उसे रहा नहीं आता, तो ना वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उनकी जैसे ही बेटी पैदा होती है ना दावत दी जाती है
दी जाती है, ठीक है। अच्छा तो ना दावत देता है ना, तो वो ना राजा और रानी का गेम होता है, वो ना 7 वर्ड्स फिर से आते हैं, 2 वर्ड्स फिर से अच्छा, आते हैं। तो बेबी को घर छोड़ देते हैं। हाँ ना, हाँ राजा रानी के पास होता है राजा रानी, तो अच्छा ना वो छोटी सी हो जाती है, ठीक है, मतलब 1 साल 1 मंथ की हो जाती है, 1 मंथ। ओके तो अच्छा ना फिर ना वो, हाँ सुनाओ, 7 वर्ड्स का सुनाओ। हाँ तो वो ना उसकी वॉकर भी रख देते हैं, उसकी हर चीज रख देते हैं। तो ना वो आगे देखते हैं, वो कहते हैं क्या, वो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं कि ये किसने रखे हैं, उन दोनों को लगता है कि आपने रखे हैं या उसने रखे। मतलब दोनों मियाँ बीवी हैं। ओके अच्छा हाँ दोनों मियाँ बीवी ने वैसे रखे नहीं होते, ठीक अच्छा है। तो अच्छा ना फिर वो ना 7 इयर्स लेटर, ठीक है, वो 3 साल की फिर से हो जाती है, और वो इतनी, 7 इयर्स लेटर वो 3 साल की होती है क्या? 7 इयर्स ओल्ड होती है वो फिर 3 साल की हो जाती है ना। ये? कैसे हो गया? यहाँ तो after 3 years बोले ना आप। हाँ after 3 years तो ना वो हो जाती है 3 years old, वो इतनी वो आदत बन जाती है। अच्छा तो ना उससे ना दोस्त आती है जैस्मीन, उससे मिलने, ठीक अच्छा है, वो ना उसको एक इतना प्यारा फूल दे के जाती है। तो ना वो होती है ना स्नो व्हाइट, वो ना जैस्मीन ना उसको बताती है कि ना एक ग्राउंड प्ले ग्राउंड भी है, इसमें ना तुम झूले भी ले सकती है। तो ना वो कहती है अपने बाबा से पूछती है, बाबा क्या हम जा सकते हैं उधर? तो वो कहते हैं हाँ जा सकते, ये चुप कर। और बात हाँ जा सकते हैं। तो ना वो चले जाती है, तो उधर ना उसको एक आंटी नजर आती है, वो ना बूढ़ी हो जाती है, ठीक है, ना इतना सुंदर रूप में ना बदल जाती है, ठीक है। अच्छा हाँ मतलब जैसे जादू करनी नहीं, खूबसूरत सी होती है वैसे। अच्छा वो बुढ़िया जो थी। हाँ बुढ़िया जो,